कर रहा। जितना लंबा कुर्ता उतनी ज्यादा सेक्स ड्राइव। और इस गैस रोकने के लिए मैं मार सकता और मर भी सकता। तुम सॉरी हो? हाँ। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है। दोस्तों, 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो किसी ने शायद ही सोचा होगा कि यह फिल्म इतनी पॉपुलर हो जाएगी। यह एक साधारण लव स्टोरी से बढ़कर एक इमोशनल सफर साबित हुई जिसने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना ली। फिल्म की कहानी, म्यूजिक और इमोशनल एंगल ने इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिलाया। अब 2024 में सनम तेरी कसम दो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और फैंस एक बार फिर से इंदर और सुरु की लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। सनम तेरी कसम ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इस फिल्म को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। फिल्म की कहानी एक साधारण लड़की सुरु और एक सख्त और रहस्यमयी लड़के इंदर के इर्द गिर्द घूमती है जो प्यार और तकरार के सफर में एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। यह सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी बल्कि इसमें दोस्ती, त्याग और दर्द का भी गहरा एहसास था। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को आंसू बहाने पर मजबूर कर देता है और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण था। अब सनम तेरी कसम 2 की अनाउंसमेंट से फैंस का उत्साह चरम पर है। फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है। फिल्म मेकर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि इस सीक्वल में भी इंदर और सुरु की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी तक कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह सीक्वल पहले पार्ट की तरह ही इमोशन और ड्रामा से भरा होगा। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की जोड़ी ने पहले पार्ट में अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। फैंस अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। क्या इस बार भी उनकी कहानी उतनी ही इमोशनल और दिल छू लेने वाली होगी या इसमें कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। सीक्वल के साथ फैंस की उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। इस बार दर्शक कुछ नया और इंटेंस देखने की उम्मीद कर रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने इस बार की कहानी को और भी ज्यादा इमोशनल और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की है ताकि फैंस को पहले पार्ट से भी ज्यादा प्रभावित किया जा सके। स्टार कास्ट को लेकर फिलहाल कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरे भी फिल्म में नजर आ सकते हैं। हालांकि फैंस यह उम्मीद कर रहे हैं कि हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन को ही मुख्य भूमिकाओं में देखा जाएगा क्योंकि इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। सनम तेरी कसम 2 की रिलीज डेट को लेकर भी फैंस में काफी उत्सुकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को 2025 में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। फिल्म के डायरेक्शन, म्यूजिक और लोकेशंस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है ताकि यह सीक्वल दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। फिलहाल दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।